तो इतना शेयर कर दो कि पूरी इंडिया के अंदर फैल जाए भाई। नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाने वाले हैं भाई हाथ से बनाई हुई कला, यानी कि सैंड आर्ट पार्क है और पुष्कर के अंदर आज हम पहुंचे हैं और आपको दिखाने वाले हैं भाई एक भाई ने जो कि रेलवे के अंदर सर्विस करता है भाई, उसने बनाया ये सारा अपने हाथों से बनाया है अकेले, ये देखो भाई। और भाई को वो काफ़ी इनाम भी मिल चुके हैं और अभी आपको दिखाता है कि क्या क्या चीज़ है वो भाई ने बनाई है, किस चीज़ की है वो हाथ से वो कला है वो बनाई है, तो दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, ये है ये फोर्ट, बताओ भाई पहले कहाँ का है फिर आपको दिखाते हैं। ऊपर इंडिया का तिरंगा लगा हुआ है, ये फोर्ट है भाई जैसलमेर का, जैसलमेर का फोर्ट है भाई ये। ये देखो एक एक चीज़ कितनी बारीकी से बनाई है, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई ईंटों द्वारा वैसे बनाया होगा। ये देखो मिट्टी से बनाया हुआ है भाई, बालू मिट्टी से, और पूरा का पूरा ये बालू मिट्टी से बनाया है भाई। और मेरे साथ है राजू जी और अक्षय, तो भाई कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। भाई की जो हाथ की कलाकारी है वो आपको कैसी लगी ये बता? बहुत बढ़िया लगा यार हमें यहाँ पे ये चीज देख के, तो भाई ने देख के ना हमें बहुत ही अच्छा लगा है और साथ में मोटिवेशन आता है भी कि अपने भारत देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि रेत की आर्ट बना देते हैं, रेत की आर्ट बोलते हैं। वो भी देखो साथ में बंदा सर्विस लगा हुआ है रेलवे के अंदर सर्विस कर रहा है। जो कला है ना, है ना, ये हरेक के बस की बात नहीं है। हाँ, सही है, ठीक है। अभी ये देखो टाइम भी तो लगता है ना इसके अंदर है। हाँ बिल्कुल, टाइम बहुत लगता है और साथ में मेहनत भी बहुत लगती है। और भाई एक ये भी जरूरी है कि भाई कोई बंदा अपने देश के अंदर ऐसा है जो ऐसी आर्ट बनाता है यार, जीवित है, आर्ट बनाता है। और ऐसे किले जो कि राजस्थान में सिर्फ देखने को मिलते हैं, देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये है जैसलमेर का जो फोर्ट है ना, उसकी बनाई हुई है, ठीक है ना। अपने राजस्थान में ऐसे ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े किले है वो तैयार किए थे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और लोगों को ऐसे लगता है राजस्थान में कुछ नहीं होता, ठीक है, राजस्थान में है ना उतना तो है ही नहीं। हाँ ये बात सही है, ठीक है। राजस्थान राजस्थान एक ऐसा राज्य है यहाँ पे हर एक बंदा अगर जन्म लेता है ना तो वो रॉयल्टी फील करता है खुद में, है बिल्कुल, ठीक है। और ये भाई हाँ। कमेंट करके बताओ किसकी लग रही है आपको, फिर हम आपको बताएंगे। तो अक्षय भाई आप बताओ भाई, यार ये साइड तक मूंछे वगैरह है, तलवार है, जिस प्रकार से साइड में शेर बैठा रखे हैं, तो ये शेर की हो सकती है, ये कोई अपने इंडिया का बोल सकते हैं। हाँ। इंडिया के एकमात्र शेर महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रताप जी की है भाई। ये देखो कमेंट जरूर कर देना यार, जो जो मेरे भाई देख रहे हैं ना, बहुत तगड़ी और सुंदर प्रतिमा है जो तैयार की है रेत से, ठीक है भाई। और काफी अच्छा हाइट है इसकी भी, हाइट भी है और इसके अंदर कितनी ट्रॉली मिट्टी लगी है ये भी देखो ना, कितना टाइम लगा है ना, हार्ड प्रेस किया गया पहले, हार्ड प्रेस ऐसे नहीं बना, ये ऐसे तो बनता है, एक ट्रॉली है उसको डाल दिया उसको त्रास दिया ऐसे काम नहीं चलता, इसमें हार्ड प्रेस किया गया टोटल। चाहे बारिश आ जाए वो उधर अपने चलेंगे ना, तो मैं दिखाऊंगा आपको, बारिश आ जाए तो भी ये खराब नहीं होने वाला, खराब नहीं होगा, ठीक है। और ये सामने क्या है भाई, जिसको हम देखने के लिए पहुंचे हैं, स्पेशल पुष्कर, स्पेशल पुष्कर आए हैं इसको देखने के लिए भाई। हाँ क्या है ये बताइए, ये है रेगिस्तान का जहाज जिसने किया सालों तक राज, सालों तक राज अभी भी कर रहा है राजस्थान के अंदर, अभी भी कर रहा है भाई, ठीक है। तो ये ऊंट की प्रतिमा तैयार की है भाई, बहुत ही सुंदर लेटा हुआ है ना ये, क्योंकि ये धीरे धीरे, ये देखो भाई एक एक चीज को देखो आप, अपनी साइड में यानी के जो गंगानगर हनुमानगढ़ है हमारी साइड में, तो उधर वाली साइड में क्या कि धीरे धीरे इनसे खेती जो विलुप्त होती जा रही है। हाँ, सही है। तो इनको एक संजोए रखना भी बहुत बड़ी बात है, उसको मोटिवेशन करने के लिए है ना इस प्रकार की प्रतिमा बनाई जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ी के अंदर इन जीवों के प्रति भी थोड़ा है ना, आने वाली पीढ़ी में है ना, मतलब ये जीवित रह सके। बिल्कुल एक बात आप मानोगे नहीं, क्योंकि आज से 100 साल पहले है ये पशु पक्षी है ये ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है ना, लेकिन उसी 100 साल के बाद में ना, बाद में थोड़ा धीरे धीरे मॉडर्न हो गया ना, जमाना मॉडर्न हो गया, लोग मॉडर्न हो गए, व्हीकल का जमाना आ गया ना, तो आजकल क्या है पशुओं के पीछे ना कोई नहीं भागता है। सही है सही है, मशीनरी। चलो पहले दिखाते हैं भाई, बाइक की फोटो दिखाते हैं आपको, हाँ उसकी जिसने ये बनाया है ना, जिनको श्रेय जाता है इस चीज का, अजय भाई ये हाँ। इन्होंने बनाया भाई, ये देख लो ये है, नंबर भी दे रखे हैं इनके, और वो भी दिखा देना, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दे रखे हैं, और ये इनकी मेल वगैरह होगी, ये सर्विस में लगे हुए हैं भाई रेलवे के अंदर, हाँ रेलवे के अंदर।
तो चलो बाकी आगे का है वो आपको दिखाते हैं। हाँ। सामने देखते हैं हम उधर वाली साइड में वो साइड तक हनुमान जी की मूर्ति। ये सामने वाला ये भोलेनाथ की है। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये है जय शिव शंभु शंकर। ये देखो भाई, वास्तव में ये देखने में ऐसे नहीं लग रहा है कि हाथ से बनाई हुई है ना। हाँ, देवों के देव महादेव। हाँ, महादेव की। ये जैसे देखते हैं ना तो ऐसे नहीं लगता कि हाथ से, मिट्टी से बनाई हुई है ये भाई, पत्थर की लग रही है। वो तकड़ी कला है ये। हाँ, तकड़ी कला। इसको तराशने में घंटों लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, महीने। हाँ, और ये देखो भाई, ये हर जगह अभी इलेक्शन चल रहे हैं ना, इलेक्शन के लिए वोट के लिए वो लगे है कि वोट करो। बाकी ये चले मतदान करें। ये ऊंट भी मतदान करने के लिए जा रहा है, ऊंट की मनुहार। ये देखो भाई, और यहाँ पे आ गई जलपरी। जलपरी, हाँ जलपरी है ये जलपरी है भाई। और ये आगे इधर वाली साइड में छोटा परिवार, छोटा परिवार दर्शाया गया है। छोटा परिवार सारे काम, छोटा परिवार सुखी परिवार रहेगा हमेशा भाई, ये बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। ये है महात्मा बुद्ध, ये है महात्मा बुद्ध जी लेटे हुए हैं। लेटे हुए हैं। हाँ, ये देखो महात्मा बुद्ध काफी अलग अलग रूपों के अंदर है जो महात्मा बुद्ध है वो। और ये नाव है भाई। ये क्या है भाई? नाव, नाव। ये नाव है, ये देखो भाई, ये नाव है। जहाज, समुद्री। हाँ, समुद्री जहाज होती है उसको बोलते हैं समुद्री जहाज। सही है, बेड़ा है ये। और ये भाई राजस्थान का कल्चर है, वो दिखाया गया है किस प्रकार से रहते हैं, सारा सिस्टम है वो इसके अंदर। झोपड़ी वगैरह देख सकते हो आप, जैसी हमें इस जैसलमेर साइड में देखने को मिलेगी वैसी की वैसी झोपड़ी है। और ये गड्ढ वगैरह है वो दिखा रखे है, वो देखो सारा सारा मंदिर वगैरह। ये साफा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं क्या? हाँ, पगड़ी, पगड़ी। पगड़ी। और ये ऊंट बैठे हैं आगे, और ये हाथ में क्या ले रखा है इन्होंने, इसको वो रणतुंगा, रणतुंगा पता नहीं वो क्या बोलते हैं। हाँ, वो बजाते हैं ना, वो है। देखो बाकी पेड़ वगैरह दर्शाए। हाँ, पेड़ वगैरह दर्शाए गए हैं, यही तो बात है ना, काफी शानदार। तो भाई दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई है। बिल्कुल, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड ज्यादा से ज्यादा क्या करना है अक्षय भाई, शेयर करना भाई। क्या करना है राजू जी? शेयर नहीं करना है भाई, मजाक। क्यों नहीं करना? शेयर करना है, दबा के करना यार, फॉलो भी करना है यार, फॉलो। इतना शेयर कर दो कि पूरी इंडिया के अंदर फैल जाए भाई, फॉलो कर। हमारे लिए मत करना, भाई के लिए करना, जो मेहनत की है ना भाई ने, उसके लिए तो जरूर शेयर करना बनता है भाई। बनता है या नहीं बनता? बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। हमारे लिए नए करें चाहे, लेकिन इनके लिए करना इनके बहुत लिए जरूरी है, क्योंकि इनको हौसला मिलता रहे। सबको साथ लेके चलना है। हाँ। सबका साथ, सबका विकास, मोदी बोलते हैं। हाँ। बात है, ठीक है, तो दबा के शेयर करना है। शेयर करना। ओके, धन्यवाद।